अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। आवर लेसन नेम इज़ हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा, रिटन बाय जी एफ लैम। यस्टरडे वी ट्रांसलेट आवर पेज नंबर 54, नाउ टुडे वी स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर पेज 55। सो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन। टुडे आवर फर्स्ट पैसेज स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइन द रीजन through which they were passing was known as the land of thirst and death, and he named was well chosen। वो इलाका जिसमें से वो गुजर रहे थे प्यास और मौत की सरजमीन के नाम से मशहूर था, और ये नाम इसके लिए बेहतरीन चुना गया था। इट वॉज एन एरिया नोटोरियस फॉर सैंड स्टॉर्म्स एज वेल एज फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स। ये एक ऐसा इलाका था जो रेत के तूफानों और खुश्क कुओं के नाम के वजह से के लिए बदनाम था। क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ देम, जल्दी क्रिस्टोफर को इनमें से एक का तजर्बा हुआ। Shortly, थोड़ी देर बाद after the midday stop on the following day, the camels all instinctively turned off their course to the right, making for the nearest depression in the waste of sand। अगली दोपहर के क्याम के थोड़ी देर बाद तमाम ऊँटों ने फितरी तौर पर अपना रास्ता दाएं तरफ मोड़ लिया और रेत के बियाबान मैदान में करीब तीन गड़े की तरफ बढ़ने लगे। डिप्रेशन, ये डिप्रेशन का वर्ड यहाँ पे आया है, गड़ा होल जिसको हम कहते हैं। इंस्टिंक्टिवली नेचुरली फितरी तौर पर, इनहेरेंटली जिसको हम कहते हैं। द रीज़न प्रेजेंटली बिकम्स क्लियर टू क्रिस्टोफर एज ही गेज्ड एट द होराइज़न। वजह फौरन क्रिस्टोफर के सामने होगी जैसे इसने उफक की तरफ गौर से देखा। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये नाकाबले यकीन थी। द ड्यून सीम टू बी ऑन फायर, द पीक्स वर मेल्टिंग अवे एंड द होल होराइजन वॉज चेंजिंग शेप। लगता था कि रेत के टीले आके लपेट में आ गए हैं, इनकी चोटियाँ पिघलती जा रही थीं और तमाम उफकी शक्ल बदल रही थी। देन एज इट स्टार्टेड टू गेट डार्क, आई हर्ड अ साउंड लाइक विंड ब्लोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज। फिर जैसे ही तारीकी छाना शुरू हुई तो मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी के दरख्त के पत्तों में से हवा गुजर रही हो। हिज कंपेनियंस मेड साइंस फॉर हिम टू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड हिज कैमल एंड कवर्ड हिज हेड। इसके साथियों ने उसे इशारे किए कि वो खुद को अपने ऊंट के पीछे छुपा ले और अपने सर को ढांप ले। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। बट द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म व्हेन इट स्ट्रक वाज टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड। लेकिन जब तूफान टकराता था तो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा होती थी कि इसे बचा नहीं जा सकता था। इवन विद द कैमल्स बॉडी एज शील्ड, हत्ता के ऊंट के जिस्म की ढाल के बावजूद I could feel the impact of the wall of the sand that came streaming along the earth। मैं रेत की इस दीवार के असर को महसूस कर सकता था जो ज़मीन के साथ साथ बहती चली आ रही थी। The wind found even the smallest opening in my clothes and the sand felt like little needles। हवा हत्ता के मेरे कपड़ों में छोटे छोटे सुराख को भी ढूंढ लिया था और रेत छोटी छोटी सुइयों की तरह चुभती हुई महसूस हो रही थी। There was nothing he could do but crouch down waiting for the storm to finish। क्राउच होता है दुबक कर बैठ जाना, नीचे बैठ जाना, बेंड डाउन। वो कहता है तूफान थम जाने के इंतज़ार में दुबक कर बैठ रहे रहने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। वाइल द सैंड स्टेडिली पाइल्ड अप ऑन द टॉप ऑफ हिम, जबकि रेत मतवातर इसके ऊपर ढेर लगा रही थी। ही फाउंड हिमसेल्फ रिकॉलिंग अ ट्रू स्टोरी दैट जस्ट सच सैंड स्टॉर्म मैनी ईयर्स अर्लियर हैड कम्प्लीटली बरीड अ ह्यूज कारवान ऑफ 1200 कैमल्स विदाउट लीविंग अ ट्रेस ऑफ देम। उसे एक सच्चा वाक्या याद आने लगा कि कई साल कबल ऐसे ही तूफान ने 1200 ऊँटों के एक बड़े कारवान को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया था, उनका कोई सुराग तक नहीं छोड़ा था। द प्रेजेंट स्टॉर्म अनफॉर्चुनेटली वॉज लेस ड्रास्टिक एंड लास्टेड ओनली हाफ एन आवर। ड्रास्टिक होता है शदीद, एक्सट्रीम। वो कहता है मौजूदा तूफान खुश्क कम शदीद था, सिर्फ आधे घंटे तक जारी रहा। बट दे ऑल हैड 75 mm ऑफ सैंड कम्प्लीटली कवरिंग दैम, मगर 75 mm रेत ने इन्हें मुकम्मल तौर पर ढांप दिया था।
एंड इट डिड नॉट नीड मच इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड हाउ अ पार्टी कुड ईजिली बी बरीड एंड सफोकेटेड। इस चीज़ को समझने के लिए इसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि कैसे एक ग्रोह आसानी से दफन हो सकता है और उनका दम घुट सकता है। सफोकेट, सफोकेट होता है दम घुटना, चौक हो जाना, चौक भी इसको कहते हैं, CHOK, चौक, दम घुटना, सफोकेशन हो जाना। किडाल वॉज द लास्ट टाउन ऑन हिज रोड बिफोर टिम्बकटू इट्सेल्फ। किडाल टिम्बकटू से कबल इसके रास्ते में आखिरी कस्बा था। बट देयर वर स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स ऑफ ग्रीम डेजर्ट टू बी क्रॉस्ड। लेकिन अभी भी 450 किलोमीटर से ज़्यादा खौफनाक सहरा को पार करना बाकी था। दिस प्रूव्ड टू बी द लोनलीस्ट एंड मोस्ट रॉडस स्टेज ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग। ये सारे सहरा को पार करने का वीरान तरीन और इंतहाई मुशक्कत रब मरहला साबित हुआ था। द स्ट्रेस ऑफ द डेजर्ट ट्रेवल हैड अफेक्टेड हिम फिजिकली। सहराई सफ़र की तशवीश ने उसे जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया था। हिज हैंड हैड बिकम सो क्रैक्ड दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा। इसके हाथ ने फट गए थे कि वो मुश्किल अपना कैमरा भी इस्तेमाल कर सकता था। ही एडिड टू हिज ट्रबल्स ही टुक हिज कैमल वन डे अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक ऑन अ स्लाइट इंक्लाइन। इंक्लाइन, इंक्लाइन होता है झुकाव, कर्व जिसको हम कहते हैं। वो कहता है कि इसने अपनी मुश्किलात में इजाफा यूं किया कि एक दिन वो अपना ऊँट एक मामूली सी ढलवान पर चट्टान के पार ले गया। तब उसे पता चला कि वो एक छोटे छोटे पत्थरों से ढकी हुई थी। His camel fell heavily, knocking him off its back, and though it was not really injured, इसका ऊँट इसे अपनी पुश्त पर उछालते हुए नीचे गिराया। अगरचे वो ज़ख्मी ना हुआ था, मगर ज़ख्मी ना हुआ था। इट वॉज सो शॉक्ड, लेकिन उसके हवास खो गए थे एंड फ्राइटेंड और खौफजदा हो गया था। दैट ही कुड नॉट राइड इट फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक वह इस पर सवार ना हो सका था। बट हैड टू फॉलो इट ऑन फुट, और उसे उसके पीछे पैदल चलना पड़ा था। Another little incident served as a reminder that the desert has many ways of destroying its victims. एक और छोटे से हादसे ने इसे यकीन करवाने वाले की तरह खिदमत सर अंजाम दी कि सहरा के पास अपने शिकार को तबाह करने के कई अंदाज़ होते हैं। क्रिस्टोफर वॉज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स टू प्लेस इन फायर फॉर द कैटल और पैन टू स्टैंड ऑन। क्रिस्टोफर आग में रखने के लिए पत्रे इकट्ठे करने में मदद कर रहा था ताकि इन पर केतली या कड़ाही रखी जा सके। ही पिक्ड अप वन लार्ज रॉक टू फाइंड अ 4-foot स्नेक क्वाइल्ड अंडर इट। क्वाइल अंडर इट। क्रिस्टोफर ने एक बड़ा पत्थर उठाया तो इसके नीचे एक 4-foot लंबा सांप कुंडली मारे बैठा था। क्वाइल्ड होता है कुंडली मार कर बैठना। इफ इट अनक्वाइल्ड रैपिडली एंड स्टक, बट ही मैनेज टू जम्प बैक जस्ट इन टू टाइम टू अवॉइड द डेडली फैंग्स। इसने तेज़ी से कुंडली खोली, हमला कर दिया, लेकिन बर वक्त पीछे भागकर सांप की हलाकत खेज दांतों से बचाने में खुद को कामयाब हो गया। फैंग्स, फैंग्स होते हैं उसके शार्प टीथ, स्नेक के शार्प टीथ को फैंग्स बोला जाता है, कि वो जंप लगाकर पीछे हो गया, उसके हलाकत खेज दांतों से बचने में कामयाब हो गया। द गाइड्स स्लेव किल्ड इट विद अ स्टोन। रास्ता दिखाने वाले के गुलाम ने इसे पत्थर से मार दिया। इंडिकेटिंग बाय जेस्चर्स दैट इट वाज वेरी पॉइजनस स्पेसिमेन, और इसे बताया, इशारों से इसे बताया कि एक बड़ी ही जहरीली किस्म का सांप था। A day later he caught his first glimpse of Timbuktu. एक दिन बाद उसे टिम्बकटू की पहली झलक दिखाई दी। He had reached his goal at last and his journey had taken him across 3200 kilometers of desert. बिलाखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। इसका सफ़र इसे 3200 किलोमीटर सहरा के पार ले आया था। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारे ट्रांसलेशन। अब इस देख लेते हैं। पहले इंस्टिंक्टिवली होता है, फितरी तौर पर, इनहेरेंटली। क्राउच, क्राउच होता है नीचे को दुबक कर बैठ जाना, तो बेंड डाउन। इसके बाद है पाइला, पाइला होता है किसी चीज़ का ढेर लगाना, फॉर्म अ पाइल। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक होता है सख्त, एक्सट्रीम। इसके बाद है अराडस, अराडस होता है मुश्किल तलब या थका देने वाला।
तो डिफ़िकल्ट। इसके बाद है इंक्लाइन, इंक्लाइन होता है किसी तरफ झुकाव होना, तो कर्व। इसके बाद है फैंग्स, और फैंग्स होते हैं टीथ ऑफ अ सरपेंट, किसी सांप के तेज़ नोकीले डसने वाले दांत, उनको कहा जाता है। तो ये था हमारा लेसन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। कल इसकी ट्रांसलेशन के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।